भूपनगर के गांव में पूरे साल में गर्मियों के ये दिन थे। हरी के खेत में इस बार तरबूज, खरबूजे और ककड़ियों की काफी अच्छी फसल हुई थी। नील गाय से खेत की रक्षा के लिए उसने खेत के किनारे एक झोपड़ी डाल दी थी और रात के समय उसी झोपड़ी में सोने लगा। एक रात पड़ोस के गांव में कठपुतलियों का नाच हो रहा था। हरी के दोस्त उसके पास आए और सभी ने हरी से चलने को कहा। हरी, तुम खेतों में बैठो, तुमको हमारे साथ चलना चाहिए भाई। मुझे भी नाच देखने जाने का मन है, मगर जाऊं कैसे? हरी को नाच देखने की इच्छा हुई, लेकिन जाए तो कैसे जाए? मन तो मेरा भी है, मगर पीछे से कोई आ गया और फसल को खराब कर दिया तो? अरे कोई नहीं आता यहाँ पर, तू चल हमारे साथ, आज तो मजा करेंगे, इतने दिन बाद तो नाच हो रहा है। खेत पर किसी के ना होने से गीदड़ और दूसरे जानवर खेत को चर जाएंगे। चलो जैसे तुम्हें सही लगे भाई, हैं? हम लोग तो जा रहे हैं, तुम बैठो खेतों की रखवाली में, हैं? दोस्तों के जाने के बाद वह सोच ही रहा था कि जटा जूट धारी एक बाबा जी उसकी झोपड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। देखकर हरी खुशी से उछल पड़ा बाबा को झोपड़ी में बिठाकर। महाराज जी, आप इस कुटिया में आराम करें, तरबूज और खरबूजों से खेत भरा पड़ा है, पेट भर उनका सेवन कीजिए और कोई गीदड़ खेत में आए तो उसे भगा दें। आधी रात के बाद मैं भी वापस लौट आऊंगा। जाओ, बाबा जी सब देख लेंगे। हरी के चले जाने पर बाबा जी खेत में घुसे, चुन चुन कर मीठे तरबूज खरबूजे ले आए। खरबूजों की मिठास और खुशबू ने मस्त बना दिया। मस्ती में आकर चिलम के ऊपर आग रखी और जोर से दम लगाया कि हाथ भर लंबी जोत ऊपर लपक ली। तिनकों ने तुरंत आग पकड़ ली और देखते देखते धूम धूम कर झोपड़ी जल उठी। बाबा जी कूद कर बाहर आना चाहते थे कि अपनी ही धोती से उलझ कर गिर पड़े और आग की लपटों में जलकर भस्म हो गए। गांव वालों ने जब घास के ढेर से निकलती हुई लपटों को देखा तो खेत की तरफ दौड़ आए। हरी को आवाज लगाई। अरे देखो, हरी की झोपड़ी में आग लग गई है, जाओ उसको कोई अंदर देखो, कुछ हो तो नहीं गया? हाँ, वो पिछले 3 दिन से यहीं रह रहा था। देखो कहीं मर तो नहीं गया? तुमको हर किसी को मारना ही होता है, जब देखो दिमाग में यही रहता है तुम्हारे। हरी का कहीं कोई पता न था। सबके होश उड़ गए, शायद वो भी झोपड़ी के साथ जल गया है। उसके बड़े भाई ने बांस का एक डंडा उठाकर जलती आग को कुरेदा तो उसमें से लाश निकल आई। ये किसकी लाश है? लगता है ये हरी की ही है। देखकर घर वालों में रोवा पीटी मच गई। हरी को जला हुआ पाकर गांव के लोग दुखी हुए। उसके माता पिता भाई बहन छाती पीट पीट कर रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरा बेटा हरी जल गया। हमें हरी का अंतिम संस्कार करना होगा। हाँ, हमें बहुत अच्छे से करना होगा ताकि इसकी आत्मा भटके नहीं। हाँ भैया, हरी बहुत अच्छा था, उसको इस जलती आग ने मार दिया है, इसलिए उसको अच्छे से विदा करना होगा। फिर तो हरी का अंतिम संस्कार करने के बाद ही वे घर लौटे। रात के तीसरे पहर हरी जब खेत पर आया तो देखा, झोपड़ी राख बनी है, घास का ढेर भी फूक चुका है। उसे बाबा जी पर बड़ा क्रोध आया। कमबख्त, खरबूजे को खा गया और जाते जाते झोपड़ी में आग भी लगा दी, घर के लोग अब क्या कहेंगे? सोचता हुआ वह गांव की ओर चल पड़ा। जल्दी से अपने चौपाल के पास जाता हूँ। उसने देखा कि गांव के लोग शोक की मुद्रा में चुपचाप बैठे हैं। बीच में हुक्का पड़ा है और लोगों की आंखें आंसुओं से भीगी हैं। वह समझ न सका कि लोग क्यों मौन बैठे हैं। चौपाल के एक किनारे पहुंचकर हरि ने अपने भाई को आवाज दी। भैया सुनो, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन है, कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है? हरी को देखते ही लोग चौंक उठे। एक ने चिलम उठाकर उस पर दे मारी।
हरी कपड़े झाड़ने लगा। भूत, भूत आ गया। भूत? कहाँ आया भूत? कहते हुए लोग भाला और लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। मारो मारो, भूत आ गया। लोगों को अपने पीछे भागते देख हरी तीतर की चाल हो गया। अरे, ये लोग तो मुझे मारने आ रहे हैं। जान बचा कर निकलो यहाँ से अभी। हरी ने भागकर अपनी जान बचाई। वह समझ न सका कि लोग उसे क्यों खदेड़ रहे हैं। जाकर अपने खेत के पास बैठ गया। सूर्य उदय के साथ ही हरी गांव के धोबी घाट की तरफ जा रहा था कि घाट पर उसे एक धोबी नजर आया। उसे देखकर हरी उसकी ओर चल पड़ा। वह धोबी से पूछना चाहता था। सुनो भाई, आखिर बात क्या है? गांव के लोग मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? हरी को अपनी तरफ आते देख धोबी ने अपनी गठरी वहीं डाल दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ए भूत, भूत! धोबी भूत कहता हुआ गांव की ओर भागा। आखिर बात क्या है? लोगों ने उसे क्यों भूत बना दिया है? तभी उसने देखा कि गांव के लोग भाला, लाठियां और जलती हुई लकड़ियां लेकर धोबी के साथ उस ओर बढ़ रहे हैं। चलो मैं दिखाता हूँ कि वो कहाँ बैठा है। चलो चलो, सब साथ रहना। उससे जान ही लेते हैं कि आखिर चाहता क्या है गांव वालों से। देखकर वह अरहर के खेत में घुस गया। कहीं किसी ने भाला फेंक मारा तो मुफ्त में जान गंवानी पड़ेगी। मूर्खों ने जिंदा आदमी को भूत बना दिया है। अभी तक तो यही था, कहाँ चला गया? देखो कहाँ है ये। और धोबी, तुमने हरी को यही देखा था ना? हाँ, देखा तो यहीं पर था, पर पता नहीं अब कहाँ गायब हो गया है। रात को यहाँ से निकलूंगा और जब भैया चौपाल में अकेले होंगे तभी उन्हें बताऊंगा कि मैं भूत नहीं हूँ। जब रात के लगभग 10 बज गए तो हरी डरते डरते गाँव में पहुँचा। कोई देख ना ले, छिपता छिपाता वह चौपाल के किनारे नीम की आड़ में खड़ा हो गया। मौका पाते ही भैया से बोला। भैया डरना नहीं, मैं भूत नहीं हूँ। हे भगवान भूत! सुनते ही भैया इतनी जोर से चीखा कि गांव वालों की नींद खुल गई। लोग आकर इकट्ठे हो गए। गांव वालों को देखकर हरी डर गया। भागने में ही भलाई है। वह तेजी से भाग खड़ा हुआ। गांव के कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया। अरे ये कहां से पीछे पड़ गए हैं, कोई बचाओ इनसे मुझे। अरहर के खेत में घुस जाने के कारण उसकी जान बच गई। पूरे गांव में दहशत छा गई। लोग परेशान हो उठे। कमबख्त, स्वयं तो मरा, दूसरों के लिए मुसीबत बन गया। भूत के डर से लोगों ने अपने काम काज छोड़ दिए हैं। ऐसा भूत कभी नहीं देखा जो न हल जोतने दे न कपड़े धोने दे और रात रात गांव में आकर लोगों को परेशान करे। अगले दिन गांव में कुछ सिपाहियों को लेकर एक थानेदार आया। एक डाकू की तलाश थी। यहाँ कौन आ सकता है, भूत है इस गांव में, किसको मरना है यहाँ आकर। थानेदार को जब मालूम हुआ कि इस गांव में एक भूत आया है तो वहीं डेरा डाल दिया। सोचा शायद वह भूत ना होकर वही डाकू हो जिसकी तलाश कई दिनों से हो रही है। वो भूत लोगों को किधर घेरता है? वो ज्यादातर अपने खेत के आसपास ही बैठा रहता है जहाँ झोपड़ी में हरी जला था। अच्छी बात है, आज रात को हम उसे पकड़ लेंगे। तुम लोग भी हमारे साथ चलना। रात हुई। चारों तरफ जब घना अंधेरा छा गया तो गांव के लोग थानेदार और सिपाहियों के साथ उस जगह आ पहुंचे। चलो आज देखते हैं कौन सा भूत आता है यहाँ पर। साहब, यहाँ तो काफी अंधेरा है, हम डाकू को कैसे देखेंगे? खेत पर जाकर थानेदार घोड़े से उतर गया। अपनी सुरक्षा के लिए सिपाहियों ने दो खूंटे जमीन में गाड़ कर घोड़े की पिछली टांगे उनसे बांध दी ताकि वह कहीं भाग न जाए। थानेदार खेत के दूसरी तरफ था। अब तुम लोग भूत की तलाश करने लगो, जाओ जाओ सिपाहियों, गांव वालों के साथ आगे जाकर उस भूत को ढूंढो। हरी अपने खेत के किनारे लेटा हुआ था। लोगों को अपनी ओर आते देख वह उठ बैठा। पता नहीं अब कौन सी आफत आ गई। अरे पकड़ो भूत को, कहां गया वो, पकड़ो उसे। अरहर के खेत में छिप जाओ। नहीं नहीं, कब तक लोगों से छिप छिप कर अपनी जान को जोखिम में डालकर रखूं? इससे अच्छा है कि खुलकर सामने आया जाए।
वह उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। लो मुझे मार डालो, मैं भूत हूँ, जिंदा भूत, आओ मुझे पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो। अंधेरी रात में हरी की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। सुनकर तो गांव वालों की हिम्मत टूट गई। ये तो हरी की आवाज है, ये तो सच में भूत है। जाओ लाठियां और मशाल लेकर आओ। भूत भूत भागो यहाँ से। मुझे तो कोई ले लो साथ में, यहाँ इसके साथ रात की दावत नहीं करनी है। सिपाहियों में भगदड़ मच गई। थानेदार कूद कर घोड़े पर जा सवार हुआ। घोड़े को ऐड़ लगाई किंतु घोड़ा उछल उछल कर वहीं रह जाता। देख कर थानेदार की घिग्गी बन गई। हे भगवान, बचाओ मुझे कोई भूत से। लगता है भूत ने घोड़े के पिछले पांव जकड़ लिए हैं, जिसके कारण घोड़ा भागने में असमर्थ है। थानेदार वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि ए भैया, भूत ने तो कमाल कर दिया भाई, थानेदार के घोड़े तक को जकड़ लिया भाई। पता है कल रात को कमाल हो गया। मुझे भी पता है, मैं भी कल रात को वहीं पर था। अब उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय था कि उसकी मनौती की जाए। 13वीं करने के बाद प्रेतात्माएं शांत हो जाती हैं। हमें हरी की मनौती ही करवानी पड़ेगी, नहीं तो वो सबको ऐसे ही परेशान करेगा। चलो हरी के भाई से इस बारे में बात करके देखते हैं वो क्या बोलता है, चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर दो इस मुए की मनौती, नहीं तो ये भरी जवानी में ही कहीं मुझसे चिपट गया तो मेरा क्या होगा। शाम को सारे गांव वालों ने मनौती की। टोकरी भर मिठाइयां खेत में रख आए। हरी उसी समय अरहर के खेत में छिपा ये सब सुन रहा था। उसका भाई हाथ जोड़कर जोर शोर से कह रहा था, भैया तू चला गया, लेकिन इस गांव के लोगों को माफ कर दे। इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू इन्हें दुख दे रहा है। 13वीं के दिन हम लोग मिलकर तेरी पूजा करेंगे, तुझे जो चाहिए वो बता दे, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दे। हरी इन सब बातों से परेशान हो चुका था। क्यों ना 13वीं के दिन मैं भी वहां पहुंच जाऊं, जाकर देखूंगा कि कौन कौन 13वीं में आया है। जो मेहमान उस दिन नहीं आएगा उसी के घर जाकर अपनी विपदा सुनाऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैं हरी हूं, मैं मरा नहीं हूं, मेरी जगह एक बाबा जी उस झोपड़ी में जल गए थे। 13वीं के पहले आधी रात के बाद चौपाल के घने नीम पर जा चढ़ा। उसी नीम के छत्र में मृतक के क्रिया कर्म के बाद मेहमानों को भोजन कराया जाने लगा। तरह तरह के पकवान परोसे जाने लगे। देखकर हरी के मुंह में पानी भर आया। क्या बात है, जो खाना जीते जी किसी ने नहीं पूछा वो मरने के बाद देखो कैसे खिला रहे हैं। उसने देखा सभी लोग दावत उड़ाने आए हैं, केवल उसकी छोटी लड़की के ससुर नहीं हैं। रात को जब सभी सो गए तो वह भी नींद से उतर आया और अपने रामू के गांव की ओर चल पड़ा। सवेरा होने तक वह रामू के पास पहुंच गया और अपनी कहानी उसे सुना दी। भूत भूत भागो यहाँ से। अरे सुनो समधी, मैं हूँ, डरो मत, मैं हरी हूँ, भूत नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मर गए थे। सुनो पहले मुझे खाने को दो, काफी दिन से कुछ खाया नहीं है। सुनकर रामू ने हरी की आवभगत की। अच्छे से पेट भर खाओ, उसके बाद चलते हैं तुम्हारे गांव। खाना खिला पिला कर अपना तांगा तैयार करवाया और हरी को लेकर उसके गांव पहुंचा। उसके माता पिता और गांव वालों ने रामू के साथ जब हरी को देखा तो लोग चकित रह गए। रामू ने सारी कहानी सुना दी। गांव के लोगों ने हरी को गले लगा लिया और अपनी मूर्खता और जल्दबाजी पर बहुत लज्जित हुए।